नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। यार नॉर्मली आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आप लोगों को गाइड कर पाऊँ कि अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो यहाँ पर कैसे सर्वाइव करना है, हर चीज़ से कैसे गो थ्रू होना है। क्योंकि जिन चीज़ों के बीच में से मैं निकल चुका हूँ, मुझे पता है यार आप इन चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं। बट यार एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में कभी मैंने अवेयर करने की नहीं सोची और मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ें हम बैक कंट्रीज में छोड़ के इन अच्छी कंट्रीज में आए थे, एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ आए थे कि अगर हमें यहाँ पर अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, हमारे पास फ्रीडम होगा, हमारी बहनें अगर बाहर घूमने जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं तो वो सेफ होगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कल जो न्यूज़ सामने आई थी यार, उसने ना दिमाग खराब कर दिया। ऐसा लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं था। दिमाग खराब हो गया सुनने के बाद कि नहीं यार ये नहीं है। तो मैं पहले आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करता हूँ कि ये न्यूज़ क्या थी, एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि यार इनसे हम थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं या फिर अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों पे बात करेंगे। तो नाइग्रा पुलिस को 20 जुलाई की रात में, रात को 12:01 पे कॉल आती है और उसमें बताया जाता है कि एक लड़की के साथ सेक्सुअली असोल्ट हुआ है। तो जाके पुलिस ऑफिसर लड़की से मिलता है। तो ये लड़की थी अपने 20s में, एंड वो लड़की बताती है पुलिस ऑफिसर को, उस लड़की को राइट वे ना हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, वहाँ पर चेकअप वगैरह होता है प्रॉपरली, एंड लड़की सेफ कंडीशन में थी, मतलब कि स्टेबल कंडीशन में थी, कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं थी। उसके फेस पे थोड़ी बहुत इंजरीज बताई जा रही हैं, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिटेल्स नहीं आई अभी तक। बट उस लड़की ने बताया कि वो लड़की जब शाम को नियर अबाउट 7:30, कैनेडा में 7:30 मीन्स कि यार अभी काफ़ी ब्राइटनेस होती है, 7:30 तो ऐसा लगता है जैसे दिन है, क्योंकि कनाडा में रात होती है 9:30 के नियर अबाउट, थोड़ा डार्क होने लगता है। तो उस टाइम जब वो लड़की अपने घर की तरफ जा रही होती है तो एक लड़का आके उससे बात करने की कोशिश करता है। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि वो अननोन लड़का था, एंड वो लड़का उससे बात करता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। बट लड़की जब डिनाई करती है तो वो लड़का अपने दूसरे दोस्त की हेल्प से उस लड़की को वहां से उठा के पास वाले गांव में ले जाते हैं। और वहां पर ले जाने के बाद जो दोस्त था साथ वाला, ऐसा बताया गया कि वो तो चला गया, बट दूसरा दोस्त था जो उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो उस लड़के ने उस लड़की के साथ सेक्सुअली असोल्ट किया वहां पर इन द मिडनाइट। एंड वो सब करने के बाद वो वहीं पर उसको छोड़ के चला गया। तो लड़की ने किसी की हेल्प से लड़की अपने घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद उसने नाइग्रा पुलिस को इन्फॉर्म किया, एंड उसने उस लड़के के बारे में पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई। तो डिटेल्स प्रोवाइड करवाने के बाद थोड़ी देर के बाद नाइग्रा पुलिस को पता चल गया कि कौन है, कैसे है। उन्होंने उस पिकअप ट्रक के साथ उस बंदे को फाइंड आउट कर लिया, एंड उस बंदे को फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया, एंड उससे पूछताछ चल रही है। और साथ में ये बताया गया न्यूज के अंदर कि उस लड़के के ऊपर सेक्सुअली असोल्ट, फोर्सिबल कन्फिनमेंट, असोल्ट कॉज बॉडली हार्म, मतलब कि उसकी बॉडी पे चोट मारने की, उडर थ्रीट्स, असोल्ट विद ए वेपन, किडनेपिंग, ओवरकमिंग रेसिस्टेंट एंड रॉबरी, ये सारे केसेज उस पर लगे हैं, ये सारी धाराएं उस पर लगी है, एंड उसके साथ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बट यार ये न्यूज़ एक इंटरनेशनल बच्चे के साथ ऐसा होना, क्योंकि जहां तक हमें पता चला है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था, एंड ये सब चीज़ें होनी, एंड उसके बाद चलो ये तो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है कि पकड़ लिया, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये सोच के ना रूह काम जाती है कि यार जिसके साथ ये हुआ उसकी जिंदगी का क्या, उसको कैसा फील हो रहा होगा, वो कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बहन होगी, सरवाइव करेगी, सब कुछ करेगी, क्योंकि करना पड़ेगा, कोई क्या कर सकते हैं और, है ना। बट स्टिल यार ये बड़ा ही बड़ा मामला था, क्योंकि नाइग्रा फॉल्स जैसे प्लेस पे ऐसा कुछ होना एक बड़ी चीज है। बट हाँ, भगवान यार उसको, बहन को शक्ति दे, उसकी फैमिली को इतनी हिम्मत दे कि यार वो इन सब चीज़ों से निकल जाए। बट ये चीज़ें आगे ना हो, इनको भी हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो यार पता है क्या है कि हर एक शहर में ऐसा होता है यहाँ पे कि एक दो ऐसी जगह होती है, हमें पता होता है कि वहाँ वो एरिया है, थोड़ा सा ड्रगी कह लो, स्केची कह लो, कुछ भी नाम दे दो उसको, हर गाँव शहर में होता है, हम अवॉइड करते हैं। तो ऐसी जगह हर शहर में, जैसे नाइग्रा की अगर मैं बात करूँ तो नाइग्रा का जो डाउनटाउन एरिया है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, वहाँ नहीं रह सकता मैं, वहाँ नहीं रहूँगा मैं, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना ही सस्ता कुछ भी मिल रहा हो,
अगर दूसरी साइड मेरे $100 ज्यादा लग रहे हैं तो आई विल टेक दैट, मैं उधर वाली साइड नहीं रहूंगा, क्योंकि वो ऐसा है, वहां लगता है ऐसा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं। तो यार जब भी आप कनाडा आ रहे हो ना, पहले फाइंड आउट किया करो, अपने दोस्तों से पूछा करो कि कौन सा एरिया अच्छा है रहने के लिए, वहां पे रहने की कोशिश किया करो। और दूसरी चीज यार, एक चीज अवॉइड किया करो कि रात में ना, आई नो यार इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू बुक एन ऊबर फॉर एन स्टूडेंट, ये बहुत मुश्किल चीज है, नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करता था, बट मैं यही रेकमेंड करूंगा यार, $10-20 की छोड़ो, जिंदगी से प्यारा कुछ भी नहीं है। तो जहां भी आपको कुछ लगे ना कि यार यहाँ पर मुझे अनसेफ फील हो रहा है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैं सेफ नहीं फील कर रहा, तो वहां पर राइट वे उबर बुक करो, घर पहुंचो, वो जरूरी है, चाहे वो लड़का है लड़की है। और एक यार हमारे खुद में ना कमी है, बहुत सारे हम ऐसी चीज देखते हैं कि हमारे ही कंट्री के लोग हमारी बहनों के पीछे गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं। वो चीज अवॉइड करने की कोशिश करो जितनी कर सकते हो, ताकि वो यहां पर आ रही है अपने माँ बाप भाई बहन के बिना, तो उनको यहां पर सेफ फील हो, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया करो, ताकि उनके लिए इजी हो यहां पर सर्वाइव करना। लड़के तो फिर भी कर जाते हैं, बट लड़कियों के लिए बड़ी मुश्किल चीज है, और आप लोग उनको बड़ा अनसेफ फील करवा देते हो। और लड़कियां भी कोशिश किया करो यार, रात भी रात थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, राइड बुक कर लो, उबर बुक कर लो, अपने पेरेंट्स या भाई बहन जो भी कंट्री में रह रहा हो उससे फोन पे टच में रहा करो, अगर रात में कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो। इन चीजों का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं यार, हमें किसी का कोई पता नहीं, आजकल दुनियादारी सारी ऐसी है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखने की कोशिश किया करो जितना ज्यादा रख सकते हो, एंड अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, राइट वे 911 पे कॉल करने की कोशिश किया, और थोड़ी सी यार स्ट्रॉन्ग बन के रहा करो। अगर कोई बंदा पास में आ रहा है तो नाक नूक पे घसुंड मार दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी सेफ्टी फर्स्ट, अपना ध्यान रखना जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि कल से ना इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा है कि सोच सोच के ये लग रहा है कि यार नहीं, हम यहाँ पे ऐसे लाइफ स्टाइल के लिए नहीं आए हैं, हम इस कंट्री में अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए आए हैं, इसलिए हमने पेरेंट्स को छोड़ा है, ब्याह शादी सब चीजें हमने छोड़ी है, बहुत सारी चीजें हमने सेक्रीफाइस की है, इतनी मेहनत करें क्यों, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए। तो यार जो भी बंदा ऐसी हरकतें करता है, अवॉइड करने की कोशिश करो, और अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि यार कोई बंदा किसी को अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो स्टैंड बाय हर, चाहे वो लड़का या लड़की है, साथ में स्टैंड बाय करो, ठीक है, ताकि उस बंदे की हेल्प हो सके या उस बहन की हेल्प हो सके, ताकि किसी के कोई और लड़की लड़का ऐसे सिचुएशन का विक्टिम ना बने, उनके साथ ऐसा ना हो, ठीक है यार। तो आज मैंने इतना ही बोलना था, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने थी कि अपने आप को जितना ज्यादा सेफ रख सकते हो उतना ज्यादा सेफ रखने की कोशिश करो। नाइग्रा में अगर आ रहे हो, नाइग्रा में कोई हेल्प चाहिए तो यार मुझे एनी टाइम, पूरे ओंटारियो में अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल फाइंड आउट समथिंग फॉर यू गाइस, अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे, हेल्प करेंगे जितनी कर सकते करेंगे, बट इन चीजों से हमने बच के निकलना है, ये सब चीजें हमारे साथ ना हो। वो बहन हमें नहीं पता कौन है, कौन सी कंट्री से है, हमें नहीं पता इस चीज का, बट वो कोई भी हो, अगर किसी के साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो बी सेफ गाइस, जितनी कोशिश हो सकती है एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश किया करो। यहाँ पर ऐसा श्यो मत किया करो कि हमारे पास गाड़ी है तो हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और जिनके पास गाड़ी नहीं है उन्होंने कुछ नहीं किया। एक दूसरे के साथ स्टैंड बाय किया करो, हेल्प किया करो जिसको जहाँ पर हेल्प की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ा सा आप लोगों को ये लगा होगा कि यार बात सही है, हमें इन चीज़ों को इस बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच।